नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में सख्त लॉकडाउन लगने के बाद में नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। ऐसे में बहुत सारे लोग ये कमेंट्स कर रहे थे कि सर अब 24 मई से और 8 जून तक क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा। दोस्तों आप बिल्कुल भी मत घबराइए, सिर्फ 7 पॉइंटों में आपको बताऊंगा कि क्या खुलने वाला है इन दिनों में और क्या बंद रहने वाला है। इसी के साथ में दोस्तों आपको बता दूं कि अब की बार पहले की तुलना में जो लॉकडाउन लागू किया है वो सख्त है, क्योंकि 4 दिन बाज़ार खुलेंगे और 4 दिन बंद रहे। तो दोस्तों देख लेते हैं आज की इस वीडियो में पूरी लिस्ट जो कि गृह मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। दोस्तों आप लॉकडाउन के बारे में जिस प्रकार से मुझे पूछोगे उसी प्रकार से मैं आप सभी को लॉकडाउन से संबंधित संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। बस आपको करना यह है कि कमेंट बॉक्स में आपको सवाल करना है, जो भी आपके सवाल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये तो हैं दुकानें और उसके बाद में ये वार हैं, इन वारों को ही ये खुलेंगी और ये इसमें समय रखा गया है अब की बार। तो सबसे पहले नंबर है सभी प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं और किराने का सामान, जिनमें आटा चक्की से संबंधित खुदरा और रिटेल, थोक और होलसेल से संबंधित जो भी दुकानें हैं वो मंगलवार से शुक्रवार तक खुलेंगी। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये दुकानें 6 से और 11 बजे तक ही खुलने वाली हैं। इसके बाद में यहाँ पर दूसरे नंबर पर हम आएँ तो पशु चारा से संबंधित खुदरा, रिटेल, थोक, होलसेल से संबंधित जो भी दुकानें हैं वो भी मंगलवार से शुक्रवार तक खुलेंगी और ये भी 6 बजे से और 11 बजे तक खुलेंगी। इसके बाद में दोस्तों ये लिस्ट में बताऊंगा। उसके बाद में एक और चीज़ आपको बताऊंगा कि 4 दिन बाज़ार खुलेंगे और उसके बाद में 4 दिन बंद रहने वाले हैं, ये भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट यहाँ पर आप देखें, कृषि आदान विक्रेताओं और कृषि यंत्र की जो भी दुकान परिसर हैं वो मंगलवार से शुक्रवार को खुलेंगी और इनका टाइम भी 6 से 11 बजे रहेगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों ऑप्टिकल संबंधित दुकानें हैं, ये मंगलवार एवं शुक्रवार को खुलेंगी और ये दोस्तों 6 से 11 बजे तक ही खोलने की छूट दी गई है। उसके बाद में हम बात करें डेयरी एवं दूध की दुकानों की, तो ये है प्रतिदिन खुलेंगी, लेकिन इनका टाइम अलग है, सुबह भी खुलेंगी और शाम को भी। सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुलेंगी और उसके बाद में शाम को 5 से 7 बजे तक खुलेंगी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं छठे नंबर पर मंडियां, फल एवं सब्जियां, फूल मालाओं की दुकानों की, तो यह है प्रतिदिन खुलेंगी 6 से 11 बजे तक। उसके बाद में लास्ट है सब्जियां एवं फलों की ठेली, साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मोबाइल वैन द्वारा क्रय विक्रय पर, ये दोस्तों प्रतिदिन चलेगा। यानी कि जो भी मजदूर लोग हैं वो साइकिल से, वैन से या किसी भी प्रकार से दोस्तों बिक्री करते हैं, तो बिक्री करने वालों के लिए प्रतिदिन छूट दी गई है और 6 से 5 बजे तक वो अपना सामान कहीं पर भी बेच सकते हैं, लेकिन उनको कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगी, जैसे कि फेस मास्किंग, उनको मास्क वास्क लगाना पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ में एक और बड़ी खबर है दोस्तों, ये तो है, ये तो आप सभी को पालन करना है इन दिनों, आपको जो भी चीज़ें हैं वार देख कर आपको जाना है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों सबसे बड़ी खबर यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए दोस्तों, जो शुक्रवार 28 मई से दोपहर 12 बजे और मंगलवार 1 जून प्रातः 5 बजे तक, और शुक्रवार को दिनांक 4 जून दोपहर 12 बजे से मंगलवार दिनांक 8 जून प्रातः 5 बजे तक पूर्णतः बंद रहेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो बाज़ार और दुकानें हैं, जो भी आपके कस्बा लगता हो चाहे बड़ा शहर हो, दोस्तों ये पूरी तरह से बंद रहने वाले हैं। आपको बता दूँ कि 28 मई से और 1 जून तक तो दोस्तों बाज़ार बिल्कुल बंद रहेंगे, उसके बाद में 1 जून से और 4 जून तक खुलेंगे, फिर 4 जून के बाद में और 8 जून तक दुकान बंद रहने वाली हैं। 4 जून से और 8 जून तक दुकान बंद रहने वाली हैं, बाज़ार बंद रहने वाले हैं, पूरी तरह दोस्तों ये पाबंदी लगाई गई है, और 28 मई से और 1 जून तक यहाँ पर दुकान बंद रहने वाली हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि 24 मई से ये जो सख्त लॉकडाउन लागू किया गया है, 24 से और 28 तक दुकान खुलेंगी, बाज़ार खुलेंगे, उसके बाद में 28 से और एक जो जून है वो उसको बंद हो जाएंगी, यानी कि 4 दिन दुकान खुलेंगी और 4 दिन बंद हो जाएंगी, ये बड़ा निर्णय अब की बार लिया गया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी की ये चीज़ें समझ आ गई होंगी और आपको जो भी आवश्यकता अनुसार आपकी जो भी चीज़ें हैं आप वार देख कर ही यहाँ पर जाएँ, बिना वार देख कर नहीं जाएँ, नहीं तो आपको खाली हाथ लौटना पड़ेगा। दोस्तों लॉकडाउन से संबंधित आपको हर पल की अपडेट इस चैनल पर मिल रही है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों, और अपने आप किस जिले से वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें यह भी अवश्य बताएं।